करना, तुम सब गलती कर रहे हो, तुम्हें बार बार बताना पड़ रहा। और गलती ये हो रही है कि तुम सब क्लोज हो जा रहे हो बहुत ज़्यादा, और तुम ऐसे दे रहे हो बॉल, ऐसे तुम्हें कोई डिफेंडर बॉल देने देगा? अच्छा इधर देखो, चलो थोड़ा इधर ही देखो। ये हमारा टो है, पंजा है जो हमारा, वो पंजा एकदम खड़ा रहेगा उनको, मतलब वो स्थिर रहेगा उसको हिलाने में। हाँ, अगर वो हिल गया तो वो फाउल है, ठीक है। जैसे ही उसने विसिल हो जाएगा रेफरी पहले पूछेगा रेडी गोलकीपर, विसिल हो जाएगा तब फिर शॉट मारना, ये हिलना नहीं चाहिए। और शॉट मारने के बाद तुम्हारा पैर आगे जा सकता है, शॉट मारने के बाद पैर उठ सकता है, लेकिन कब? जब बॉल रिलीज हो जाएगी उसके बाद एंड से, ठीक है। इसमें पूछना है कुछ और? अब क्या एक बार गोलकीपर होगा जो इधर होगा, वो शूटर इधर होगा, रेफरी पूछेगा पहले कि तुम दोनों रेडी हो, फिर उसके बाद विसिल करेगा। पैर देखो उसके, बस पैर देखना, शॉट मारने का मत देखो, उसके पैर देखो एक बार और। हाँ, मैंने क्या बोला, लाइन से आगे नहीं जाना, सिर्फ जमीन से कांटेक्ट होगा आगे वाले टो का, जो लिखित में है कि वो कांटेक्ट में होना चाहिए, बाकी तुम दोनों पैर रखो, तुम आधा पैर रखो, तुम एक पैर ऊपर उठा के करो, तुम कुछ भी कर सकते हो, बस जो मेन है क्या है, वो आगे जो हमारा टो है वो जमीन से टच होना चाहिए बस, और वो हिलेगा नहीं। और रिलीज होने से पहले हम पैर नहीं लगा सकते नीचे। और बाकी तो ये पता ही है कि पेनल्टी स्पॉट इसीलिए बना रखा है ताकि तुम उसके पीछे से थ्रो लो, तो यूँ थोड़ना कि थ्रो मारने से पहले तुमने यहाँ पैर रख दिया और तब थ्रो मार रहे हो, ये पीछे रहेगा पैर, यहाँ हिला सकते हो, यहाँ कुछ भी कर सकते हो, इधर साइड में ले जा सकते हो, लेकिन जब थ्रो मारोगे तब तक ये पीछे रहेगा। एक बार और कर दो, ठीक है। अब बार बार यहीं से वापस जाना है, बॉल की देखे मैं, देख आराम से पास करो, पास उसे दे, मार मार रश्मि, यहीं से वापस जाओ। हाँ अब वापस जाके गोल मार के आना, पकड़ आराम से दो, बॉल छोड़ो, हाँ सामने भी देखना है, उसे दे मार मिस्टर, वहाँ जाके हम कैसे बॉल रिलीज करने के बाद गिरते हैं, बस ये किसके दिखाते हैं, अनलकी हुआ है ये लगेगी, तो उठा रहा हूँ डाइव।